hello students how are you all i hope you all are fit and fine so i am neelam garma welcome to your ebs class students today we will continue the chapter number 12 and the name of this chapter is means of communication okay so let's start my dear students in this video we are going to discuss about telecommunication and mass communication okay so let's start first is telecommunication टेली कॉम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग ओवर ए डिस्टेंस मीन्स इसमें जो है इसमें हम लोग जो लोग हमसे दूर हैं उनसे हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे आपका है टेलीफोन फर्स्ट इज टेलीफोन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि आ, टेली के अंतर्गत आता है आपका टेलीफोन मोबाइल फ़ोन है ना तो आज का जो टॉपिक है वो टेली ओके तो विद द हेल्प ऑफ ए टेलीफोन वी कैन टॉक टू अदर एट फॉर प्लेसेस टेलीफोन की हेल्प से हम लोग जो है दूसरों से बात कर सकते हैं जो लोग हमसे दूर हैं उनसे हम बात कर सकते हैं दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये कैसा कम्युनिकेशन है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है ना दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेलुलर और मोबाइल फ़ोन्स आर यूज नाउ डेज इन दिनों जो है मोबाइल फ़ोन्स और सेलोर फ़ोन्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं दिस कैन बी कैरिड एनी वेयर और इन सेलोलर फ़ोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं नेक्स्ट आपका आता है फैक्स मशीन फैक्स मशीन सेंड्स एंड रिसीव्स प्रिंटेड मैसेज विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन वायर्स फैक्स मशीन के द्वारा हम लोग प्रिंटेड मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन वायर्स टेलीफोन वायरस की हेल्प से ओके okay. नेक्स्ट आपका आता है मास कम्युनिकेशन ओके मास कम्युनिकेशन तो मास कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है वेन मैसेजेस आर सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि क्या होता है मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन होता है कि सेम टाइम पर जब बहुत से लोगों को जब मैसेज सेंड किया जाता है तो वो आपका होता है मास कम्युनिकेशन ओके नहीं व्हेन मैसेज जब मैसेज जो है सेंड किया जाता है बहुत से लोगों को एट द सेम टाइम सेम टाइम पर जब मैसेज को सेंड किया जाता है बहुत लोगों को तो वो आपका कहलाता है मास कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत आपका आता है रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड कंप्यूटर्स आर मीनस ऑफ कम्युनिकेशन ओके रेडियो फर्स्ट इज़ रेडियो दिस इज़ द मास कम्युनिकेशन तो रेडियो वाज ए वेरी पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड मींस टेलीविज़न के आविष्कार से पहले एक पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन था वो क्या था रेडियो ओके इट इज़ एन ऑडियो मींस ऑफ कम्युनिकेशन ये कैसा कम्युनिकेशन था ये ऑडियो मींस ऑफ कम्युनिकेशन था इससे क्या होता था हम लोग कोई भी मैसेज होता था कोई भी न्यूज़ होती थी तो हम लोग उसको सुन सकते थे नेक्स्ट आपका आता है टेलीविज़न टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलीविज़न क्या है एक ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है मतलब रेडियो में क्या था हम लोग सिर्फ मैसेज को सुन सकते थे न्यूज़ को सुन सकते थे लेकिन टेलीविज़न में क्या है हम लोग उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ओके एंड नेक्स्ट इज़ न्यूज़पेपर एंड मैगजीस न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स आर यूज टू सेंड मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल एट द सेम टाइम न्यूज़ पेपर और मैगजीन को यूज़ किया जाता है टू सेंड मैसेज मैसेज को सेंड करने में मतलब सेम टाइम पर बहुत से लोगों को मैसेज सेंड करने के लिए क्या यूज़ होता है न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज कम्प्यूटर्स कम्प्यूटर्स टुडे कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट आज जो है कंप्यूटर भी हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में लोगों की मतलब लोगों से कम्युनिकेट करने में में जो है लोगों कंप्यूटर भी हेल्प करता है कि लोगों से हम लोग कंप्यूटर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंटरनेट की हेल्प से यू कैन सेंड मैसेजेस थ्रू ई मेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम लोग जो है ईमेल के थ्रू मैसेज को सेंड कर सकते हैं ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स लेवल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर्स के पार्ट्स को ड्रॉ किया है किया गया है ना बुक में तो आपको क्या करना है इसके सारे पार्ट्स के नेम को आइडेंटिफाई करना है ओके okay? यहाँ पे आपको नेम लिखना है और मेक योर ओन ई मेल एंड राइट इट हेयर और उसके बाद आपको एक ई मेल अपना बनाना है और यहाँ पर उसको राइट करना है okay so my dear students this um, your chapters ends here okay thank you